दोस्तों इस वीडियो में हम बजाज फिनसर्व ग्रामीण होम लोन की बात करेंगे। दोस्तों हम जब लोन की बात करते हैं तो इसमें होम लोन सबसे कॉमन तरह का लोन है। बहुत से लोग घर बनाने या घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं। देश में जितने भी बैंक हैं या दूसरे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वे सभी लोगों को घर खरीदने या घर बनाने के लिए होम लोन प्रदान करते हैं। दोस्तों इसमें जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उन्हें होम लोन लेने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती। वे देश के किसी भी बैंक से जाकर होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं और उन्हें आसानी से होम लोन मिल जाता है। पर समस्या कई बार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को होती है। जो कुछ बैंक होते हैं वे कई बार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को होम लोन देने से हिचकिचाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आता है कि यदि वे सैलरीड नहीं या फिर यदि वे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो उनके लिए होम लोन का क्या ऑप्शन है। तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए होम लोन में एक मुख्य नाम आता है बजाज फिनसर्व ग्रामीण होम लोन का। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसी बजाज फिनसर्व ग्रामीण होम लोन को अच्छे से समझेंगे, जानेंगे यह क्या है, इसमें कितने का लोन मिलता है, कैसे लोन मिलता है, इससे संबंधित सभी जरूरी बातों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि बजाज फिनसर्व ग्रामीण होम लोन क्या है। तो जैसा कि इसके नाम में ही है यह ग्रामीण होम लोन है, यानी कि बजाज फिनसर्व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को यह सुविधा प्रदान करता है कि वह यदि वे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, यदि वे रूरल एरिया के रेसिडेंट हैं तो वह बजाज फिनसर्व से आसान शर्तों आसान ब्याज दरों पर होम लोन ले सकते हैं। दोस्तों इस लोन के अंतर्गत आपको 20 साल तक रीपेमेंट का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा इसमें अन्य और भी कई टॉप लोन फैसिलिटीज प्रदान की जाती है। अब दोस्तों किसी भी लोन की सबसे जरूरी बात होती है उस लोन का इंटरेस्ट रेट। यदि हम इस बजाज फिनसर्व ग्रामीण होम लोन के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसमें इंटरेस्ट रेट 6.70% से लेकर 14% तक का होता है। अब दोस्तों इंटरेस्ट रेट में दो बातें आती हैं। यदि आप एक सैलरीड पर्सन है, यानी कि यदि आपको महीने की तनख्वाह मिलती है, तब आपका इंटरेस्ट रेट इस पर 6.70% से लेकर 14.00% तक लगता है। वहीं यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी कि यदि आपका खुद का कोई बिजनेस है या आप अपना कोई खुद का काम करते हैं, तो उस स्थिति में आपका इंटरेस्ट रेट 8.25% से लेकर 14% के बीच रहता है। अब यह इंटरेस्ट रेट एग्जैक्ट कितना होगा या कई चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे कि यदि आप सैलरीड हैं तो आपकी सैलरी कितनी है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होने पर आपकी अर्निंग कितनी होती है, या फिर आप कितने तक का लोन ले रहे हैं, कितने समय के लिए लोन ले रहे हैं, इन सभी कई बातों को मिलाकर जो है एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है। ये जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तब वहां से आप एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट की जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों बजाज फिनसर्व ग्रामीण होम लोन के अंतर्गत कई अलग अलग तरह के लोन प्रदान करता है। इसमें से जो पहला ऑप्शन है वह है होम लोन बैलेंस ट्रांसफर का। इसका मतलब है कि यदि आपका पहले से कोई लोन चल रहा है और आप उसी लोन को नए लोन में ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। यानी कि आपका पहले से चल रहा लोन उस नए लोन में ट्रांसफर हो जाएगा बजाज फिनसर्व के अंतर्गत, और फिर जब आप लोन की रिपेमेंट करेंगे तो आप उस बजाज फिनसर्व के अंतर्गत जो लोन होगा उसकी रिपेमेंट करेंगे मिलाकर। उसके बाद दूसरा आता है टॉपअप लोन। टॉपअप का मतलब है कि यदि आपका पहले से कोई लोन चल रहा है और आप उसी लोन अमाउंट में कुछ और अमाउंट ऐड कराना चाहते हैं तो आप एक टॉपअप लोन की तरह पे और ले सकते हैं। जैसे कि यदि आपका 3 लाख का लोन चल रहा है और यदि आपको लगता है कि नहीं आपको और 1 लाख रुपए की जरूरत है तो आप उस 1 लाख को टॉपअप लोन की तरह ले सकते हैं, जिसमें कि वो जो 1 लाख होगा वो आपके पहले से चल रहे लोन अमाउंट में जुड़ जाएगा। इसके अलावा इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना की भी सुविधा है। आपको इस योजना के अंतर्गत पैसे मिले हुए हैं घर बनाने के लिए और यदि आपको लगता है कि आपको और पैसों की जरूरत है तो आप बजाज फिनसर्व के अंतर्गत वह लोन ले सकते हैं। और इससे लोन लेने पर होगा यह कि जो इंटरेस्ट रेट पर है उस पर आपको 6.25% तक की सब्सिडी मिल जाती है। इसके अलावा इसमें जॉइंट होम लोन का भी विकल्प है, यानी कि आप अपने किसी परिवार के सदस्य या फिर अपनी पत्नी के साथ मिलकर भी होम लोन ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें खासतौर पर महिलाओं के लिए भी होम लोन का विकल्प है। महिलाएं यदि इससे लोन लेती है तो उन्हें इसमें एक्स्ट्रा कुछ छूट भी मिलती है। इसके अलावा आप होम कंस्ट्रक्शन करने के लिए या फिर प्लॉट खरीदने के लिए भी लोन ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सरकारी एम्प्लॉय हैं या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, यदि आप एडवोकेट हैं या किसी बैंक के कर्मचारी हैं तो भी आपको बजाज फिनसर्व से होम लोन लेने में खास सुविधा मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप बजाज फिनसर्व ग्रामीण होम लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होती है। तो सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। इसके बाद यदि आप सैलरीड हैं और इस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी उम्र 23 से लेकर 62 साल के बीच होनी चाहिए, या फिर यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड यानी खुद का कोई व्यापार करते हैं तो आपकी उम्र 25 से लेकर 70 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा लोन लेने में सिविल स्कोर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बजाज फिनसर्व ग्रामीण होम लोन प्राप्त करने के लिए आपका सिविल स्कोर 750 से अधिक होना चाहिए। इसके अलावा इस लोन के लिए आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भी अच्छा होना चाहिए। आपके पास कम से कम 3 साल का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस होना चाहिए, यानी कि 3 साल से आप काम कर रहे हैं। इसके अलावा इस बजाज फिनसर्व ग्रामीण होम लोन से संबंधित एक और जरूरी बात यह है कि वर्तमान में यह जो लोन सुविधा है वह देश के कुछ निर्धारित जिलों के ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित है। यानी कि अभी कुछ ही ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां आप इस बजाज फिनसर्व ग्रामीण
होम लोन सुविधा का लाभ ले सकते हैं। जिन शहरों में यह लोन सुविधा उपलब्ध है उन शहरों के निवासियों के लिए यह लोन लेने के लिए एक मिनिमम सैलरी होनी चाहिए और एक मिनिमम प्रॉपर्टी वो भी निर्धारित की हुई है। उदाहरण के लिए दिल्ली जैसे शहर में अभी इस लोन के लिए आप यदि अप्लाई करते हैं तो आपकी सैलरी कम से कम 30,000 प्रति महीने होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कम से कम 15 लाख की वैल्यू की एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस बजाज फिनसर्व ग्रामीण होम लोन के लिए अप्लाई करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों लोन के लिए अप्लाई करते वक्त जो सामान्य डॉक्यूमेंट लगते हैं जैसे कि आवेदक का आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सब लगते ही हैं। सैलरीड लोगों के लिए आपका एम्प्लॉयमेंट कार्ड, इसके साथ 2 महीने का सैलरी स्लिप, इसके अलावा 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, इसके अलावा यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उस स्थिति में आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और फिर आपको अपना बिजनेस का प्रूफ देना होता है। तो दोस्तों यह सारी कुछ ज़रूरी बातें थी बजाज फिनसर्व ग्रामीण होम लोन से संबंधित। इसके अलावा यदि आप इससे संबंधित और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं जैसे कि अभी किन इलाकों में यह लोन की सुविधा उपलब्ध है या फिर आप कितने तक का लोन ले सकते हैं, आपको इसमें और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, इस तरह की पूरी जानकारी के लिए आप achiloan.in यह वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वेबसाइट का लिंक, साथ ही साथ इस बजाज फिनसर्व ग्रामीण होम लोन से संबंधित आर्टिकल का भी लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाकर इस लोन से संबंधित सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस बजाज फिनसर्व ग्रामीण होम लोन के लिए अप्लाई करने की क्या प्रक्रिया है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी भी आपको उस आर्टिकल में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इसके अलावा उस आर्टिकल और इस वेबसाइट में आपको अन्य दूसरे तरह के लोन से संबंधित भी कई सारे आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। आप जिस भी लोन की जानकारी चाहते हैं उससे संबंधित आर्टिकल वहां जाकर पढ़ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।